मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार हम जो है अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से एक नया अपडेट आया है हम आपको बता दें कि इस अपडेट में भी अरुण राय आगे चल रहे हैं सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक से चौदह वार्ड तक की गिनती हो चुकी है जिसमें अरुण राय को कुल जो है पाँच हज़ार सात सौ इकतालीस वोट मिले हैं दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर हैं असलम अंसारी यानी कि एक से लेके 14 वार्ड तक असलम अंसारी को कुल दो हजार सात सौ पंद्रह वोट मिले हैं वहीं तीसरे नंबर पर है गुणानंद यादव जिनको एक से लेके 14 वार्ड तक जो है दो हजार दो सौ दो वोट मिले हैं तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अरुण राय जो है वो आगे चल रहे हैं अगर बात किया जाए असलम अंसारी से तुलना किया जाए तो असलम अंसारी से दोगुने वोट से जो है अरुण राय अभी तक आगे चल रहे हैं ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं ये एक से लेकर चौदह वार्ड तक की जो गिनती हुई है उसके अनुसार ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि वार्ड एक से लेकर वार्ड अट्ठाईस तक 28 तक यानी ट्वेंटी एट तक कौन से वार्ड पार्षद को जीत मिली है किस वार्ड से कौन वार्ड पार्षद जीत चुके हैं तो चलिए वार्ड नंबर एक से शुरू करेंगे वार्ड नंबर एक से है सुधीरा देवी जिनको जीत हासिल हुई है वार्ड नंबर दो से है पार्वती देवी वार्ड नंबर तीन से है माला देवी वार्ड नंबर चार से है अरुण कुमार वार्ड नंबर पाँच से है मोहम्मद जैनुल अंसारी वार्ड नंबर छः से है आशीष कुमार झा वार्ड नंबर सात से है कविता झा वार्ड नंबर आठ से है बद्री नारायण राय और वार्ड नंबर नौ से है उषा देवी वार्ड नंबर दस से है सावित्री देवी वार्ड नंबर ग्यारह से है स्वाति कुमारी वार्ड नंबर बारह से है ममता कुमारी वार्ड नंबर तेरह से है सुषमा देवी वार्ड नंबर चौदह से है अरुण कुमार प्रसाद वार्ड नंबर पंद्रह से है रूमी देवी वार्ड नंबर 16 से है पप्पू कुमार वार्ड नंबर 17 से है सुनीता देवी वार्ड नंबर 18 से है रूबी देवी वार्ड नंबर 19 से है डोमनी देवी वार्ड नंबर 20 से है राजेश मंडल वार्ड नंबर 21 से है इंदिरा देवी वार्ड नंबर 22 से है मनीष कुमार सिंह वार्ड नंबर 23 से है रेखा नायक उसके बाद वार्ड नंबर चौबीस का अभी नहीं बता पाएंगे आगे चलते हैं वार्ड नंबर पच्चीस से है चांदनी पंजियार वार्ड नंबर छब्बीस से है प्रकाश पूर्वे वार्ड नंबर 27 से है रंजीत कुमार वार्ड नंबर अट्ठाईस से है सुनीता पूर्वे तो यह एक से लेके अट्ठाईस वार्ड तक का जो रिजल्ट आया है और जो प्रत्याशी विजय हुए हैं यह उनके नाम और उनके वार्ड का नाम हम आपको बता रहे थे तो अभी के अपडेट में बस इतना ही आगे भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे अगर आपने हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिल सके तो आप देख रहे थे वी ओ News। मैं न्यूज़ में फैज़ आलम बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ